स्टार्ट पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 पर क्लिक करें, यह पहले से बने हुए कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, यदि आप उन्हें खोलना चाहते हैं तो उन पर क्लिक करें। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल पे जाएं, न्यू पर क्लिक करें और न्यू प्रोजेक्ट या वेबसाइट चुनें। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करें या किसी और अन्य एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। यहां कुछ अन्य एप्लीकेशंस हैं, अन्य कुछ सर्विसेज हैं जैसे वेब, स्मार्ट डिवाइस सर्विसेज एक्सेट्रा। ऑफिस में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट 2007 और 3 के लिए कंपोनेंट्स का निर्माण भी कर सकते हैं। यह रिपोर्टिंग टूल्स हैं जिसको कि हम रिपोर्ट और सिस्टम रिपोर्ट एप्लीकेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से यह सारी सर्विसेज आपको C# में भी मिलेंगी। विजुअल बेसिक में जाएं, विंडोज चुनें, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करें, इसे एक नया नाम दें, एप्लीकेशन का नाम लिखें, लोकेशन सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। ब्राउज पे आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करें और एप्लीकेशन का डिफॉल्ट पहला पेज खुल जाएगा। यह आपके प्रोजेक्ट का नाम है और यह है आपके प्रोजेक्ट का पहला डिफॉल्ट विंडो फॉर्म।